पंचभूतों के द्वारा जो व्यापार चलता है उसका नाम है प्रपंच, इसलिए शास्त्र विश्व प्रपंच कहते हैं। यह सारा विश्व प्रपंच ही है। इस प्रपंच को तत्व दृष्टि से देखने पर व्यक्ति इसमें उलझता नहीं। ज्ञान मार्ग का उद्देश्य, देखो तत्व को जानने का जो रहस्य है वो जान पहचानना चाहिए। ये उपदेश करने का अर्थ क्या है भगवान, क्यों ये उपदेश करते हैं? आप संसार में जितनी चीजों को देखते हैं और जिसमें उलझते हैं, अगर उसका रहस्य पता चल जाए तो आप नहीं उलझेंगे। जादू देखा होगा आप लोगों ने, इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में कोई अच्छा जादू का खेल देखा है? बाकी लोगों ने नहीं देखा है। इंद्रजाल दिखाते हैं लोग, जादू दिखाते हैं, क्या सच्चाई है उसकी? इंद्रजाल का सत्य क्या है? कुछ घटनाएं होती हैं जिनका कारण आपके सामने प्रकट नहीं होता। आप पेड़ में से फल ले आए, पैसा लेकर के फल ले आए, कहीं फल रखा हुआ हो टोकरी से उठा ले आए, किसी के हाथ में सेब होना कोई आश्चर्य है क्या? पर कोई व्यक्ति हाथ उठाए और जहां सेब का पेड़ नहीं हो उसके हाथ में सेब आ जाए, जादू हो जाएगा। अब इसमें जादू क्या है? हाथ में सेब कैसे आ गया, इसे आप प्रमाणित नहीं कर सकते। यही चमत्कार का अर्थ है, जहां कारण दिखाई नहीं पड़े और कार्य हो जाए। जहां कारण नहीं दिखाई